9 मई रात में आरोना थाना क्षेत्र के ग्राम रुसल्ला निवासी शिवराज रघुवंशी के घर में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की संगीन वारदात को अंजाम दिया था। और इस दौरान बदमाशों द्वारा शिवराज रघुवंशी व उसके परिवार वालों के साथ मारपीट भी की गई थी। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा को इस घटना की सूचना मिलते ही उनके द्वारा त्वरित एक्शन लेते हुए रात्रि में ही SDOP राघोगढ़, BP तिवारी एवं राघोगढ़ अनुभाग के समस्त थाना प्रभारी को तत्काल आरोपियों की घेराबंदी हेतु लगाया, जिसके बाद आरोपी जुबैर से पुलिस को घटना को अंजाम देने में रामकृष्ण भार्गव, मिथुन कंजर, अनिकेत कंजर, श्रवण कंजर, रमेश गुर्जर, श्रीनाथ कंजर, हरिया कंजर, हरदोल कंजर आदि की शामिल होने की जानकारी मिल गई। पुलिस द्वारा उसी दिन एक और आरोपी रामकृष्ण भार्गव पुत्र हेमराज भार्गव उम्र 22 साल निवासी ग्राम बिरियाई थाना कुमराज हाल साड़ा कॉलोनी राघोगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से लूटी गई चांदी की 3 जोड़ी बिछुए व चांदी की 1 जोड़ी पायल बरामद हुई। गुना जिले के थाना आरोन अंतर्गत रसुल्ला गांव में जो डकैती की वारदात हुई थी उसमें पुलिस ने तत्परतापूर्वक अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह को पकड़ने में सफलता अर्जित की थी। ये गुना के कुमराज थाना क्षेत्र के रहने वाले कंजर एवं उनके अन्य साथी थे, जिनमें से कि 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी कुछ फरार हैं जिनको शीघ्र गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से विशेष टीम लगाकर सघन पूछताछ की गई। इस पूछताछ में इन आरोपियों द्वारा पूर्व से लेकर अभी वर्तमान तक गुना जिले के 5 थानों की 8 वारदातें, जो कि बड़ी संगीन वारदातें हैं, चोरी की, लूट की, डकैती की और 307 की, इस प्रकार की वारदातें हैं जो कि करना इन्होंने स्वीकार किया। उसके पश्चात इन घटनाओं में जो मशरूका जो माल इनके द्वारा लूटा गया था उसके संबंध में उनसे सघन पूछताछ की गई। उस पूछताछ के दौरान उन्होंने जो लूटा हुआ माल है, जो कि हजारों की संख्या में इसमें राशि है, इसके अतिरिक्त सोने चांदी के जेवरात हैं जो विभिन्न अलग अलग वारदातों में इन्होंने लूटे थे, मोटरसाइकिलें हैं, इस प्रकार ये सभी मशरूका जब्त किया गया है। माननीय न्यायालय से PR की मांग की गई थी, PR मिला और उसके